राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। शुभ जन्माष्टमी में आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटा सा जन्माष्टमी ब्लॉग लेकर आपके सामने आ गई हूँ। आई होप आप भी मेरी तरह से किशन जी से प्यार करते हो, तो आज ये जो फुल ब्लॉग आप जरूर देखेंगे। तो विदाउट स्किप करके आज मेरी एक छोटा सा जन्माष्टमी ब्लॉग बिल्कुल देखना। आज जन्माष्टमी है, यानी श्री कृष्ण जी की आज हैप्पी बर्थडे है। तो आज सुबह से सबका मन बहुत ही खुश है, क्योंकि कान्हा जी का जो आज हैप्पी बर्थडे है। मैं भी जैसे घर पे जन्माष्टमी बना रही हूँ, तो सारी हिंदुओं की घर पे जो जिस तरीका से कर पाए, छोटा या बड़ा कोई भी त्योहार को जैसे कर सकते हैं, तो उस तरीका से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा घर यानी मेरी जो फ्लैट है, बहुत ही छोटा फ्लैट है। मेरे घर पे मंदिर भी बहुत छोटा है। फिर इस मंदिर में, इस छोटा घर पे मैं मेरी जन्माष्टमी को मनाती हूँ, यानी श्री कृष्ण जी के बर्थडे को मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो फ्रेंड, उसका ये ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से मैंने नहा धोकर तैयार हो गई, और फिर जैसे मैंने मंदिर में नित्य पूजा करते हैं, यानी सारे भगवान को मैंने क्या कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो सारे भगवान को मैंने नहा के, फिर उनको चंदन के टीका लगा के फिर मैंने तैयार कर रही हूँ। तो देख लीजिए मेरी ये जो छोटा सा जो कृष्ण जी है, जो कान्हा जी है, कितना क्यूट है ना, कितना छोटा है ये मेरा कृष्ण जी, बहुत ही छोटा है। पता है फ्रेंड, ये जो कृष्ण जी ना बहुत ही प्यारे है। मुझे तो लगते है कि हर वक्त, मतलब हर दिन मैंने 2-3 बार इस श्री कृष्ण जी को पूजा करूं, लेकिन क्या करूं, घर का काम करते करते मैं इतना थक जाती हूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलती है श्री कृष्ण जी को ऐसे 3-4 बार पूजा करने के लिए। तो वही है कि जितना मुझे टाइम मिलते हैं, मैं श्री कृष्ण जी को कम से कम एक दिन, मतलब दिन में एक बार तो मैं पूजा कर ही लेती हूँ। और ये जो है आज जन्माष्टमी, ये तो स्पेशल बात है। तो इस स्पेशल दिन में मैंने श्री कृष्ण जी को ज़्यादा श्रृंगार करवाती हूँ। अभी मैं शिव जी को पूजा करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड, आप सच बताइए, मेरी ये जो सिबलिंग है कितना प्यारी है ना, कितना छोटा सा, कितना क्यूट सा है ना। क्योंकि मेरे मंदिर तो छोटा है, इसलिए मैंने छोटा सा खरीदा है। और आपको पता है फ्रेंड, एक बात तो है, हम लोगों ने ना क्या करते हैं, ये जो हम लोगों की मनुष्य के अंदर, हम लोग एक साथ नहीं रख सकते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़ा होते हैं। लेकिन कभी कभी ये नहीं लगते, हमारा घर की जो मंदिर है, इतना छोटा सा मंदिर में सारे, इतनी सारी जब हम लोग भगवान को है, सॉरी भगवान ने कितना एडजस्ट करके रहते हैं, नहीं लगते हैं कि भगवान के बीच में कितना एडजस्टमेंट है, जो हम लोगों के बीच में है ही नहीं। और पता है फ्रेंड, ये जो शिव जी को जो मैंने फूल से श्रृंगार करवा रही हूँ ना, ये मैं मेरी छत पे टॉप में उगाई, ये सारे फ्लावर मेरे छोटा सा गमले में मैंने उगाई। कितना प्यारा है ना ये फ्लावर की कलर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड देख लीजिए, मैं कितने सारे भगवान को मैंने एक साथ रखती हूँ। मेरा एक छोटा सा मंदिर में मेरे सारे भगवान के अंदर एडजस्टमेंट है। तो मैं भगवान को वही कहती हूँ, भगवान जी मेरे अंदर में भी ऐसे ही एडजस्टमेंट दे दीजिए, सिर्फ मेरे अंदर की। क्यों, इस धरती में सारे मनुष्यों के अंदर ही आप एडजस्टमेंट पावर दे दीजिए फ्रेंड। मुझे तो लगते है सबके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट, मतलब पावर हो जाए ना, तो इस दुनिया में कुछ लड़ाई होगा ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं होंगे, हम लोग शांत से रह सकते हैं, हम लोग फैमिली के साथ एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि अभी जो फैमिली है वो तो न्यूक्लियर फैमिली बन चुके हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा, मुझे तो लगते है लड़ाई झगड़ा किसी को करना ही नहीं चाहिए, खास करके हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर। हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर तो एडजस्टमेंट होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, है ना फ्रेंड। देख लीजिए फ्रेंड, भगवान जी को प्रसाद
बनाने के लिए मेरी लड़की और मेरी पापा ने उसका तैयारी कर रही है, और मैं भी इधर कान्हा जी की फेवरेट जो मक्खन है वो बना रही हूँ। ये तो भगवान जी को बहुत पसंद है। और इधर मैंने एक सब्जी बना रही हूँ, यानी मैंने पूरी और सब्जी बनाऊंगी, तो वो मैं बना रही हूँ। आपको पता है फ्रेंड, ये भगवान जी को जैसे मैं चढ़ाती हूँ ना, जैसे ही पूजा हो जाती है, मेरी लड़की तो पहले मम्मी मुझे दे दो, ये भगवान जी की प्रसाद सबसे बेस्ट होते हैं। आप क्यों हर रोज क्यों नहीं आप भगवान जी के लिए पूजा करते हो, क्यों नहीं आप भगवान जी के लिए ये जो अपने खाना बनाते हो, क्योंकि अपने जब भगवान जी के लिए खाना बनाते हो ना, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देख लीजिए, मैंने आलू की सब्जी बनाई, खीर बनाई और पूरी बनाई। वो जो पूरी बनाने की वीडियो ना, सॉरी फ्रेंड, मैंने बना नहीं पाई, बिल्कुल वो स्किप हो चुका है, क्योंकि मैंने वो मतलब भगवान जी की पूजा के सामान सारे तैयार करते करते ना, मैंने वो शूट करना भूल ही गई हूँ। ये मेरा आलू की सब्जी था, ये भी टेस्टी हुआ था। और मैंने पूरी जो बनाई तो मैंने पहले ही बता दी कि फ्रेंड उसका वीडियो मैंने बना ही नहीं पाई। और इधर मैंने सूजी, नारियल, चीनी और केला से एक पकौड़ा बनाई। ये भी श्री किशन जी की फेवरेट है, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसका रेसिपी मैंने नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी ऐसे घर पे बना के खाना फ्रेंड, बहुत ही यम्मी एक स्वीट डिश है। ये बहुत ही फटाफट बन के तैयार भी हो जाते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या देती हूँ, सूजी, मैदा, नारियल और केला, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होते हैं ये। क्या फ्रेंड देखकर नहीं लग रहा है ये यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी? मैं प्रॉमिस करती हूँ इसका जो रेसिपी है आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। और देख लीजिए, मेरी लड़की ने आज कहा है, मम्मी आज मैं आपको आलता पहना दूंगी आपके पैर में। एक्चुअली हमारा जो बंगाली है ना, हम लोग तो बंगाली के एक रिचुअल होते हैं कि कोई भी फेस्टिवल में, खास करके जब पूजा वाला ओकेशन आते हैं ना, तो पैर में आलता लगाना चाहिए। मेरी लड़की जो है ना बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती है, लेकिन मैंने आज बता दी बेटा कि आज मेरे इतने टाइम नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ और आप मेरे पैर पे वो जो डिज़ाइन बना दोगे, क्योंकि डिज़ाइन बनाने से ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो इसलिए मेरी जो डॉटर है वो सिर्फ प्लेन मतलब प्लेन डिज़ाइन में मेरे पैर में आलता पहना दी। देख लीजिए कितना सुंदर नहीं लग रहा है? और जब ना आलता पहनते हैं पैर में, बहुत सुंदर लगते हैं। मेरी लड़की भी मेरे साथ फास्टिंग किया है, वो भी मेरे साथ व्रत रखा है, वही पूजा कर रही है, मैं उसको हेल्प करवा दे रही हूँ। तो देख लीजिए वो कैसे पूजा कर रही है। जैसे वो तो छोटा है, मुझे देखकर जितना वो सीखा है उस तरीका से वो पूजा कर रही है। अभी सारे भोग मैंने भगवान के सामने चढ़ा दी, अभी सारे भोग के अंदर वो एक तुलसी पत्ते और फ्लावर यानी फूल दे रहे है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं और मेरी लड़की दोनों ने मिलकर कान्हा जी को वस्त्र पहना दे रही हूँ। पता है फ्रेंड, ये जो वस्त्र आप देख रहे हो ना, ये मैं मेरे हाथ से खुद बनाई है। ये फ्रेंड, और ये है राखी। हर रक्षाबंधन में मेरी लड़की ये कान्हा जी को राखी बांधते हैं, क्योंकि वो इसे भाई मान के चलते हैं। तो देख लीजिए, ये तो राखी अभी खोलकर मैं रखी थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी को नहाना था और श्रृंगार भी करना था। देख लीजिए मेरा छोटा सा कान्हा जी लड्डू गोपाल कितना क्यूट सा, कितना सुंदर सा लग रहा है। मेरी ये जो मंदिर है, सच बताई ना कितना छोटा सा क्यूट सा है। इसमें सारे भगवान ने कितना अच्छे से एडजस्टमेंट करके रहते हैं, हम लोग तो ऐसे रहते ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन की कंकन बोले श्री राधे राधे, वृंदावन की पत्थर बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वृंदावन की पंछी बोले श्री राधे राधे, वृंदावन की बंदर बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वृंदावन की चंद्रो बोले श्री राधे राधे, वृंदावन की सूर्य बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वृंदावन की कंकन बोले श्री राधे राधे। और इधर देख लीजिए फ्रेंड, मेरी लड़की को तो बंगाली पढ़ना बिल्कुल आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है और मुझे बोल रही है, मम्मी अब कैसे बंगाली पढ़ लेते हो। फिर अभी मैं भगवान की पूजा करूंगी, वो भी मैं बंगाली में उसकी मंत्र पाठ करूंगी। आपको अच्छा जरूर लगेगा, एक बार सुन लेना। फ्रेंड आज इतना तक। आई होप आज का ये जो ब्लॉग है आपको अच्छे लगे, आपको जरूर लगेगा आप मेरी तरफ श्री कृष्ण जी को प्यार करते हैं तो। फिर आज इतना तक, फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे।